नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 20 इंडिया और मैं हूं आपके साथ सुरेंद्र सोनी। इस वक्त हम राजस्थान के बांसवाड़ा जिला मुख्यालय पर मौजूद हैं। भारतीय युवा मोर्चा बीजेपी की ओर से लगातार पूरे प्रदेश में रीट एग्जाम में जो धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच को मांग को लेकर के पूरे प्रदेश में एक साथ गहलोत सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पूरी तरीके से सरकार को घेरने में लामबंद है और कहीं न कहीं युवा इससे इस अभियान के साथ जुड़ करके रीट का जो एग्ज़ाम है उसमें जो धांधली हुई है, जिस प्रकार से कई बातें निकली हैं कि रीट के एग्ज़ाम में जो है वो पेपर आउट हुआ है, उसकी सीबीआई जांच की मांग को लेकर के पूरे प्रदेश में हल्ला गुल्ला हो रहा है। साथ ही बढ़ते आपराधिक मामलों को लेकर के भी कहीं न कहीं बीजेपी जो है वो वर्तमान सरकार के मंत्री और तमाम सरकारी नुमाइंदों को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी युवा मोर्चा के कई पदाधिकारी जुड़े हैं। हम खास बात करेंगे कि उनकी क्या प्रमुख मांगे हैं, क्यों इस प्रकार से सरकार को घेरा जा रहा है। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीप सिंह वसूनिया जो कि जिला अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्यों हल्ला गुल्ला हो रहा है? भारतीय जनता युवा मोर्चा बांसवाड़ा द्वारा जो 26 तारीख को जो रीट की जो परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में राजस्थान सरकार द्वारा जो पेपर लीक हुआ है, भारतीय जनता युवा मोर्चा इसकी मांग कर रहा है कि सीबीआई उसकी जांच की जाए सीबीआई से, और जो हमारे युवा बेरोजगार है उनको उनका पूरा हक मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर पेपर लीक होने के बाद जो सामने आया है, वो जो मुलजिम है जो बत्तीलाल मीणा, उसको एसओजी द्वारा दबोचा गया है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस मौके पर उस बत्तीलाल मीणा को दबोचने के बाद साफ संकेत है कि राजस्थान के अंदर उसकी सीबीआई जांच की जाए, और उसके अंदर कई सारे मंत्री और विधायक उसमें लुप्त पाए जाएंगे। और भारतीय जनता युवा मोर्चा जब तक बेरोजगारों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक सड़कों पर उतरेगा और आंदोलन करेगा। इस वक्त हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से सरकार को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। सर, लगातार रीट का मामला उछलता जा रहा है, सीबीआई की मांग, गिरफ्तारी हुई है, एसओजी के द्वारा दबोचा गया है। सर, क्या पूरे प्रकरण को देखते हैं? कांग्रेस सरकार हमेशा इस राजस्थान के अंदर हमारे बेरोजगार जो शिक्षक जो पढ़ते हैं बेचारे बच्चे, उन लोगों को समझ लो कि आगे नहीं आने देते, और भ्रष्टाचार की तरीके से हमेशा इस तरीके से लोगों को आगे ले आते हैं। ये परमानेंट का मामला, जब जब सरकार आई है इस देश से लेकर राजस्थान सरकार में, जब तक ये बंद नहीं करेंगे, हमारे युवा मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारा बांसवाड़ा जिला, सब मिलकर पूरे राजस्थान के अंदर बार बार ये आह्वान करेंगे कि राजस्थान के अंदर इस प्रकार के कोई भी लोग होंगे उनको सजा दिलाई जाए, और जो बच्चे इंटेलिजेंट है, पढ़ते हैं, लिखते हैं, उन लोगों की रोजगार और रिजर्व के अंदर जो ये हमेशा सेंध लगाते हैं, इस सेंध को हमेशा के लिए माफ खत्म कर दिया जाए। और नहीं करेंगे तो हम बहुत बड़े लेवल पर आंदोलन करेंगे और पूरे राजस्थान को बार बार घेरेंगे। मेरा सवाल फिर से रहेगा दीप सिंह वसूनिया जी से कि सर, लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी पर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं आरोप लगा रही है, तो इन आरोपों में कहाँ तक सच्चाई है कि बीजेपी के शासनकाल में भी कहीं ना कहीं बड़े घोटाले हुए? जिस प्रकार से 26 तारीख के एग्जाम के बाद हमारे राजस्थान के वरिष्ठ नेता आदरणीय राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल जी मीणा ने जो अभ्यर्थी थे उन अभ्यर्थियों के साथ में जो धरना दिया और रात रात भर सोए, उससे साफ संकेत है कि कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के जो मंत्री है आदरणीय शिक्षा मंत्री डोडासरा जी द्वारा, उन्होंने बयान दिया कि राज्यसभा किरोड़ी लाल जी मीणा अगर कुछ हमको सबूत दे तो मैं उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहता हूं। लेकिन ये साफ जो बत्तीलाल मीणा को जो एसओजी ने दर दबोचा, उससे साफ संकेत है कि गोविंद सिंह जी डोडासरा द्वारा, उनके पूरा मंत्रालय द्वारा जो रीट का जो पेपर जो लीक किया है वो, और उसके बाद माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय जसोला जी ने जो कहा है, बयान दिया है, उससे साफ स्पष्ट होता है कि जो संवेदनशील पद पर बैठ करके एक राजनीतिक भाषा बोलने वाला, उससे साफ संकेत है कि उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा उसकी जोर शोर से मांग कर रहा है कि उसकी सीबीआई जांच की जाए। बिल्कुल, मांग तो लगातार जारी है। इस वक्त हमारे साथ और भी युवा मोर्चा के पदाधिकारी जुड़े हुए हैं, उनसे भी कि प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे साथ जो है वो जुड़े हुए हैं।
लगातार इस प्रकार से युवा मोर्चा जो विरोध कर रहा है, वो मांगे आपकी क्यों नहीं सुनी जा रही है सर? क्यों नहीं सुनी जा रही है? हम विगत लंबे टाइम से बेरोजगार और युवा मोर्चा के माध्यम से कई मुद्दों को लेकर सड़कों पे उतरे हुए हैं। राजस्थान की सरकार ये आंधी और बेरी हो चुकी है। आज एग्ज़ाम है, जो एग्ज़ाम डिक्लेयर होता है इससे पहले ही पेपर लीक हो जाते, यानी कि राजस्थान के मंत्री से लाकर सारे अधिकारी भी उनके साथ मिली भगत है, विभाग के मंत्री वो भी मिली भगत है, और मुख्यमंत्री जी आँखें बंद करके बैठे हुए। इस युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज तो सड़कों पर उतरने का निर्णय लिया है। इनकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि आज सरकार लंबे टाइम से वादे से वादा, वादे से वादा कर रही है, लेकिन एक भी 3 साल के कार्यकाल में एक भी मुद्दा पूरा नहीं हुआ है। तो विशेष करके जब हमारा बच्चा, हम 8वीं से लाकर 12वीं BA सारी डिग्रियां प्राप्त करता मेहनत करके, और इस तरह फर्जीवाड़ा इनके परिवार से इनके रिश्तेदारों को IAS RS और रीट में इनका सिलेक्शन हो जाता, तो बेरोजगार बेचारा गरीब परिवार का बच्चा जिस प्रकार मेहनत कर रहा है उसको न्याय कैसे मिलेगा? उस बातों को लेकर आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया और युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पर आज ये युवा मोर्चा का कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा। यदि न्याय नहीं मिला है तो इस सरकार को पूरी तरह से घेरने के लिए युवा मोर्चा कार्यकर्ता बिल्कुल सड़कों के उतरेगा और इन जनता के साथ खड़ा रहेगा। सर, CM ने एक सबसे बड़ा बयान दिया है कि रीट एग्जाम में कोई धांधली नहीं हुई है। यदि विपक्ष अगर आरोप लगा रहा है तो ये कहीं कहीं बेबुनियाद आरोप है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? गहलोत जी जो कह रहे हैं, गहलोत जी खुद ही 3 साल बाद पहली बार बाहर निकले, उनको पता ही नहीं है इतनी बड़ी धांधली हुई है, बेरोजगार के साथ धोखा हुआ है, पेपर लीक हुए, वो खुद ही 3 साल बाद बाहर निकल के आ रहा, तो वो बयान दे रहा, तो वो ठीक कह रहे हैं, उनको पता नहीं है। उनको सोचना चाहिए पहले कि भाई मैं जो बयान दे रहा हूँ जनता देख रही है, इसके बाद में जो हो रहा है उसको भी अंदर देखा करे तो गलत है। उन्होंने एक और बयान दिया है कि BJP सरकार में भी जो भर्तियां हुई है उसमें भी कहीं ना कहीं BJP के नेताओं की, मंत्रियों की कहीं ना कहीं मिली भगत है, तो ये कहां तक, ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है वो कहां तक सही है? आरोप प्रत्यारोप सबूत कहां है ये बता देना हमें भाई। हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में आप आम जनता को पूछ लो, कार्यकर्ताओं को, मतलब बेरोजगारों को पूछ लो, सरकार ने हमारे राज्य में कई सारी भर्तियाँ हुई, मीडिया को पता है, आम जनता को पता है, और आज तो सबको पता है आज क्या हो रहा है, तो इसको लगे युवा मोर्चा ने ज्ञापन दिया, और अगर न्याय नहीं मिला युवा मोर्चा और आगे लड़ाई लड़ेगा। बिल्कुल, युवा मोर्चा फिर से लड़ाई लड़ेगा। एक बार अंतिम और लास्ट सवाल मेरा दीप सिंह जी से रहेगा कि दीप सिंह जी, लगातार जो सरकार है वो कहीं ना कहीं चौतरफा घेरती हुई नजर आ रही है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? गोविंद सिंह जी डोडासरा जो शिक्षा मंत्री है और उनके द्वारा जो बयान दिया गया है और उससे साफ है कि मुकदमा होने के बाद बत्तीलाल मीणा जो कांग्रेस का एक सदस्य है, प्राथमिक सदस्यता है बत्तीलाल मीणा के पास में, और उसने आज रीट का ही एग्ज़ाम नहीं IAS RS के जो भर्तियां हुई है उसके अंदर भी कई सारे घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुआ है, और मैं यही कहना चाहूँगा कि SOG द्वारा उसको दबोचने के बाद ये साफ संकेत है कि आने वाले समय में CBI जांच की जाए, और पूरा राजस्थान का युवा उसकी मांग कर रहा है। 26,000 बेरोजगारों के साथ राजस्थान सरकार ने धोखा किया है, उसके न्याय के लिए बाहर जनता युवा मोर्चा सड़कों पे उतरेगा, आंदोलन करेगा। जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिलेगा तो उसके खिलाफ बाहर जनता युवा मोर्चा पूरी ताकत के साथ में राजस्थान की गहलोत सरकार और उनके मंत्रियों के खिलाफ रास्ता जाम करेगा, काले झंडे बताएगा, उनके क्षेत्र के अंदर जो मंत्री बने हैं उनको अंदर, युवा बेरोजगार उनको क्षेत्र के अंदर घुसने नहीं दिए जाएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं लगातार जो है वो BJP युवा मोर्चा पूरी तरीके से सक्रिय है, साथ ही जो आगामी चुनाव है उसको लेकर के भी BJP जो है वो धरातल पर स्ट्रॉन्ग प्लानिंग करते हुए कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का पूरी तरीके से प्लान बना चुकी है। अब देखने वाली बात होगा कि ये भारतीय युवा मोर्चा की ओर से जो लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है वो कहां तक सही होगा, क्या इस पर सरकार सख्त निर्णय लेगी, जो CBI की मांग की जा रही है क्या वो मांग जायज है या नहीं जायज है, ये आने वाला समय तय करेगा। कैमरा पर्सन धनराज के साथ सुरेंद्र सोनी, न्यूज 20 इंडिया, बांसवाड़ा।